राम राम जी, स्वागत है आपका अपनी वेज किचन में। आपको पता तो लग गया होगा आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे पपीते की सब्जी, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, वो टेस्टी होती है। चलो तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें पपीता, प्याज, चार टमाटर, लहसुन, हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और कुछ सूखे मसाले जो आगे मैं बताए। सबसे पहले हम पपीते का ये वाला हिस्सा निकाल लें। अब हम इसको बीच से काट लेंगे। देखिए, अब हम इसके बीज अलग निकाल देंगे। तो देखिए, मैंने सभी पपीते कट कर लिए हैं और इनके जो बीज हैं वे निकाल के अलग निकाल लिए हैं। अब हम जो इनका ये सफेद वाला हिस्सा है, हम इसको भी निकाल लेंगे और ग्रीन हिस्से को भी निकाल लेंगे हल्के हल्के। देखिए, यहाँ पे मैंने है ना इनको छील के इनका अंदर वाला सफेद हिस्सा निकाल दिया है। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। देखिए, अब मैंने ये पीसेज कट कर लिए हैं। मैंने इस साइज के कट किए हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्याज को मैं बारीक काट लूंगी और टमाटर और हरी मिर्च को मैं ग्राइंड कर लूंगी, पेस्ट बना लूंगी। के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अब हम इसमें जरा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए तो हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसमें सरसों का तेल ऐड करते हैं। हमें ज्यादा तेल नहीं चाहिए। ये गर्म हो चुका है, अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। जीरा हमारा चटकने लगा है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को खुला रहेंगे तभी लेंगे, इसका ताकि कच्चापन अच्छे से निकल जाए।
यहाँ पर हमारे प्याज ब्राउन ब्राउन हो गए हैं, हल्के पिंक कलर के। अब हम इसमें ये मसाला जो हमने बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इस मसाले को जब तक पकाएंगे जब तक साइड में तेल दिखाई देने न लग जाए। देखिए अब हमारा मसाला अच्छे से पक के तैयार। अब हम इसमें टमाटर का जो पेस्ट बना था वो हम इसमें ऐड करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हमें टमाटर को जब तक पकाना जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाते। अब देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं और साइड में तेल नजर आ रहा है। अब हम इसमें जो पपीते के पीस कट करे थे वे ऐड करते हैं। मैंने ये डाल दिया, अभी इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स हो गया है और हम इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे ढककर पकाएंगे। अब हम इसको ढक देंगे। अब हमें इसका वेट करेंगे जब तक ये पपीते अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। अब हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से कट रही है, वो हमारी सब्जी पक चुकी है और हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और एक बर्तन में निकाल देते हैं। यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी के साथ पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हमें सब्जी बनाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है। अच्छे से इसका ग्रीन वाला छिलका उतारना है और जो वाइट पार्ट है उसको अच्छे से निकाल लेना है, नहीं तो ये कड़वापन दे देगा। तो फ्रेंड आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।